दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने जेल से लेटर लिखा है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और संजय सिंह की रिहाई के बाद पहली बार उनका खत सामने आया है, जिसमें उन्होंने जल्द अपनी रिहाई की उम्मीद जाहिर की है। अपने विधानसभा को संबोधित करते हुए सिसोदिया ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी अंग्रेजों ने जेल में रखा था। सूत्रों के मुताबिक सिसोदिया ने कहा, पिछले एक साल में मुझे सभी बहुत याद आए, सबने बहुत ईमानदारी से मिलकर काम किया। जैसे आजादी के समय सबने लड़ाई लड़ी, वैसे ही हम अच्छी शिक्षा और स्कूल के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अंग्रेजों की तानाशाही के बाद भी आजादी का सपना सच हुआ, उसी तरह एक दिन हर बच्चे को सही और अच्छी शिक्षा मिलेगी। अंग्रेजों को भी अपना सत्ता का बहुत घमंड था। अंग्रेज भी झूठे आरोप लगाकर लोगों के जेल में बंद रखते थे। अंग्रेजों ने कई सालों तक गांधी जी को जेल में रखा। अंग्रेजों ने नेल्सन मंडेला को भी जेल में रखा। ये लोग मेरी प्रेरणा है और आप सब मेरी ताकत। विकसित देश होने के लिए अच्छी शिक्षा स्कूल का होना बहुत जरूरी है। सिसोदिया ने आगे लिखा, जल्द ही बाहर मिलेंगे। शिक्षा क्रांति जिंदाबाद, लव यू ऑल। यह पहला मौका है जब सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद कोई लेटर लिखा है। इससे पहले गुरुवार रात सिसोदिया के एक्स हैंडल पर उनकी टीम ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर एक पोस्ट लिखा। उसमें कहा गया, तानाशाह को लगता है कि वो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर उन्हें डरा देंगे और जनता की सेवा करने से रोक देंगे, लेकिन शायद तानाशाह को ये नहीं पता कि ये वही अरविंद केजरीवाल है जो 22 साल पहले बिना किसी पार्टी या मुख्यमंत्री पद के दिल्ली की जनता के लिए सड़कों पर लड़ रहे थे। इसी संघर्ष और जज्बे के कारण आज पूरी दिल्ली अरविंद केजरीवाल को सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं बल्कि अपना बेटा मानती है। कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किए गए सिसोदिया एक साल से अधिक समय से जेल में बंद हैं। उन्होंने 2023 के फरवरी में गिरफ्तार किया गया था। सिसोदिया की जमानत याचिका ट्रायल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक खारिज हो चुकी है। इसी केस में 6 महीने पहले गिरफ्तार हुए संजय सिंह को हाल ही में सर्वोच्च अदालत से जमानत मिली है। आपको बता दें, आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। वह जेल नंबर 2 से एक सेल में है। जेल सूत्रों ने बताया कि केजरीवाल 3 लेयर की सुरक्षा में रहेंगे। उनके सेल व आसपास करीब आधा दर्जन सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जिसकी मॉनिटरिंग जेल महानिदेशक करेंगे। इसके अलावा सेल की सुरक्षा के लिए एक हेड वार्डर तैनात रहेगा। क्यूआरटी टीम भी 24 घंटे निगरानी करेगी। सेल में एक टेलीविजन की व्यवस्था होगी, साथ ही वह लाइब्रेरी से किताब लेकर पढ़ सकेंगे। बता दें, सोमवार शाम करीब 4:02 पर जेल वैन से अरविंद केजरीवाल तिहाड़ के जेल नंबर 2 में पहुंचे। जेल में पहुंचने के बाद उन्हें कार्यालय पर ले जाया गया, जहां उनका नाम पता सहित अन्य जानकारी हासिल करने के बाद जेल अधिकारियों ने उनका मेडिकल करवाया। इसके बाद उन्हें सेल से भेज दिया गया। जेल सूत्रों का कहना है कि अदालत के आदेश के मुताबिक ही उन्हें सुविधा दी जाएगी। उन्होंने अदालत से जेल में रहने के दौरान कुछ किताब व अन्य सामान की मांग की है, जिसे जेल प्रशासन की ओर से मुहैया कराया गया है। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।